नमस्कार, आनंद रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं आज बनाने जा रही हूँ सूजी के गोलगप्पे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सूजी के गोलगप्पे बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी सूजी। इसको हम इस बर्तन में कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें हम ऑयल, हमारा वेजिटेबल ऑयल है, हमने इसमें 3 चम्मच डाला है। अब इसको हम मिलाएंगे। देखिए हमने पूरे मिला लिया है, इस तरह से होना चाहिए। देखिए, और इसमें हम गुनगुना पानी लेंगे, हमने पानी गुनगुना लिया है। और इसका एक हम बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। देखिए हमने डो तैयार कर लिया है। अब इसको ढक करके हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी देखिए फूल चुकी है। अब इसको हम हाथों से और इसी प्रकार मस लेंगे। इसको बिल्कुल हम मुलायम कर लेंगे, चिकना सा कर लेंगे बिल्कुल इसका हम डो। देखिए बिल्कुल चिकना डो तैयार हो गया हमारा। अब इसकी हम लोई तोड़ लेंगे छोटी छोटी सी। हमें इसकी इतनी बड़ी बड़ी लोई तोड़नी है। अब इसको हम ऐसे गोल बना करके रख लेंगे। देखिए ऐसे। हमने लोइयां बना ली हैं सब। एक लोई लेंगे हम और इसको हम चकले पे रखेंगे। हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम बेलेंगे। हम इसको ऐसे गोल बेलेंगे। आप चाहे तो इसको लंबा बेल सकते हैं। देखिए हमें इसको इतना पतला करना है, बहुत पतला भी नहीं करना है इसको हमें, और मोटा भी नहीं करना है। हम सारी बेल के रख लेंगे इसी प्रकार से। देखिए हमने इतने बेल लिए हैं और इसको बेल करके हमें अलग अलग रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है बिल्कुल भी। अब पहले इतने हम सेक लेते हैं। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तेल हमने ज़्यादा गरम करा है। अब इसमें हम बेले हुए डाल देंगे। देखिए गोलगप्पे हमारे फूल गए हैं। और डाल देंगे और गैस को हम धीमा कर देंगे। और उनको हम पलट देंगे। और इनको हम धीमी गैस पर इसको हम ऐसे ही सिकने देंगे। देखिए गोलगप्पे हमारे सिक चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे और हम बाकी के इसी प्रकार फ्राई कर लेंगे गोलगप्पे। देखिए ये भी हमारे सीख चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे हम और सेक लेंगे इसी प्रकार से। देखिए गोलगप्पे हमारे बन चुके हैं, कितने अच्छे बने हैं। अब इसके लिए हम पानी तैयार कर लेते हैं। इसका पानी बनाने के लिए हम लेंगे हरा धनिया।
हरी मिर्च, जितना चटपटा आपको चाहिए उतनी आप मिर्च ले लेना। हम इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालेंगे। हम लेंगे चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, पुदीना सूखा हुआ, उसको हमने पीस करके रख लिया है, आप चाहे तो फ्रेश पुदीना ले सकते हैं, आमचूर पाउडर और डालेंगे इसमें हम हींग, थोड़ा सा पानी और कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे बिल्कुल बारीक। देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है, अब इसको हम पानी में मिला देंगे। हम इसको पानी में कर देंगे, हमने सब कुछ मिला लिया है, इसको हम छान लेंगे एक बार किसी चलनी से। इसको हमने छान दिया है, अब डाल देंगे इसमें हम नमक, और इसको मिला लेंगे नमक को। हम लेंगे थोड़ी सी बूंदी, बूंदी को हमने सादे पानी में भिगो करके निकाल लिया था, ये तैयार है हमारा गोलगप्पे का पानी। देखिए तैयार है हमारे सूजी के गोलगप्पे, देखिए, और हमने इसका पानी भी तैयार कर लिया है, और साथ में उबले हुए आलू हैं उसको हमने काट लिया है, और उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च मिला लिए। देखिए सूजी गोलगप्पे, इसमें हमने थोड़े से आलू भी कर दिए, देखिए